इस ग्रेस नेटवर्क फैशन शो में अर्शी खान एज अ चीफ गेस्ट इनवाइट हुई है। मैम आपका क्या कहना है इस फैशन शो को लेकर? मुझे बहुत मज़ा आया। मैं तो बोल रही थी मुझे ऐसा फील हो रहा है जैसे मैं मोहम्मद अली रोड पर हूँ एंड यू नो वहाँ पर सब यू नो अबाया बुरखा मुझे बड़ा पसंद है। हमारी फैमिली भी बड़ी ट्रेडिशनल है, मुसलमान फैमिली है, पठान है हम। अच्छा। तो वहाँ पर भी बड़े बुरखे में हमारी भाभियाँ रहती हैं तो मुझे देख कर थोड़ा सा लगा अरे मैं उसी माहौल में आ गई अभी फिर से। तो फिर मुझे बहुत मज़ा आया एंड सेकेंड चीज़ वो जो अभी मैंने इतना अच्छा कलेक्शन देखा। मैं हमेशा से ट्रेडिशनल ड्रेसेस ज़्यादा पहनती थी बिग बॉस में भी। सो आई लव दिस। तो मैम आपका जो फैशन शो को लेके बात हुई आपके बारे में हम बात करते हैं, जैसे कि आपके अभी करियर को लेके आपने भी बिग बॉस किया है, आपका आगे का फ्यूचर प्लान क्या है? मैम मैं अपनी लाइफ में कभी फ्यूचर प्लान नहीं रखती क्योंकि मुझे नहीं लगता कि फ्यूचर प्लान जब भी मैं रखूँगी वो सक्सेस होगा। बिकॉज मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि मैं बिग बॉस में जाऊँगी, इतने शोज़ करूँगी कलर्स के लिए या फिर इतनी अपीयरेंस करूँगी, इतने इवेंट्स करूँगी, इतने ब्यूटी पेजेंट्स जीतूँगी। मुझे नहीं पता था, वो खुद हो गया। आई डोंट केयर, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। मैं हमेशा से ये मानती हूँ कि रिस्क देने वाला अल्लाह है, मैं किसी बंदे के सामने नहीं नाक रगड़ती। आई डोंट लाइक दिस, ये मेरा एटीट्यूड है और ये है। आज कितनी खुश हुई आपको यहाँ आके? बहुत खुशी हुई, आई एम वेरी हैप्पी, थैंक यू। आपकी फ्रेंड राखी सावन जो कि अभी फातिमा है वो उमरा करके आए, बोला मेरी फ्रेंड है। आपकी फ्रेंड रह चुकी है वो। अरे तुम्हारे के बारे में क्या कहना चाहेंगे वो उमरा करके आए? माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत अच्छा किया उमरा किया, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह कबूल फरमाया उनका उमरा और वो फातिमा ही बनी रहे, अल्लाह देख रहा है। इस फैशन शो के ऑर्गेनाइजर्स को आप क्या कहना चाहेंगे? थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी, थैंक यू। थैंक यू सो मच मैम।